सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ जी मैं अपने न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 6 बजे से और अभी तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे तैयार होके बैठी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ जी, अभी जा रही हूँ मैं किसी को लेने। तो ये आपके लिए सरप्राइज है कि मैं किसी को लेने जा रही हूँ। तो इधर मिले, मैं अभी यहाँ पे मन्नत के रूम आई हुई हूँ। हेलो गाइस, मन्नत के दर्शन बहुत टाइम के बाद हो रहे हैं क्योंकि मैं घर में थी पहले तो, और आप सभी इसके व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं तो ये भी पढ़ाई में थोड़ी बिजी है। मैं थोड़ी बोरी हूँ, व्लॉग नहीं आ रहे तो इसके व्लॉग भी कुछ टाइम के बाद आ ही जाएंगे, तो इसके व्लॉग भी जरूर देखें। तो बाकी आप सब मेरे व्लॉग में तो डेली देखते ही रहेंगे, हाल चाल आप सभी को पता चल ही पाएगा। तो अभी मैं निकलती हूँ तो मैं आपको वहीं पर ही बताऊंगी कि कौन आ रहा है, किसको लेने जा रही हूँ मैं। तो चलती हूँ दोस्तों अभी, चल ठीक है, बाय 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 बाय। तो इधर अंधेरा होना भी शुरू हो चुका है, तो आप इधर देख सकते हो मौसम में थोड़े थोड़े बादल, देखो ऊपर आप देख सकते हो आसमान में कैसे बादल हैं, हल्के हल्के बादल हैं। सुबह तो बारिश हो रही थी, तो अभी मैं निकलती हूँ, थोड़ी लेट भी हो चुकी हूँ रूम से। तो गाइस आप गेस कर सकते हो कि ये दोनों कौन है, तो आपने थोड़ा बहुत पहचान ही ली होगी। तो दोस्तों इधर देखे हमारे गेस्ट तो पहुंच चुके हैं और आते ही आते इनको भूख लग चुकी है और यहाँ पे लग चुके हैं जी मोमोज खाने। हाय करीसा, हाय हाय भी बोलते मुंह से, हाय। तो इधर देखे वहां तो रात हो चुकी है। आप इधर देख सकते हो इस छोटी सी लड़की को कैसे जंप मारे जा रहे हैं और नटंकी आज से ही शुरू हो चुकी है इधर। तो गाइस ये है जी सिमेट्री का व्यू आज का, तो आप देख सकते हो इधर को किस तरह का व्यू है। ऑर्चिड होटल ये जो सामने वाला दिख रहा है, ऑर्चिड होटल है। और तो अभी आप देख सकते हो, और अभी चलते हैं जी रूम, चलो। तो इधर देखे तो ईजा मिल रही है अपने मामू से। कितने साल के बाद मिल रही थी? एक साल के बाद। ईजा सुनो, मामू कहाँ है आपके? ये तो अच्छा सिखाया ना कि जूते खोलने पड़ते यार। नमस्ते तो की नहीं पैर में झूठ में कर दो पहले मामू, जल्दी दौड़ मार के खोलो शूज, खोलो बोले सिखाट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके इधर रूम में पहुंच चुके हैं और इधर मैं इतनी ज्यादा थक चुकी हूँ और मुझे बाजू भी इतनी ज्यादा दर्द हो रही है ना, पूछो ही मत आप सब पूछो ही मत। तो इधर देख सकते हो आप ये बैग मैंने उठाया हुआ था, मैं मेरे को वैसे इसने बैग उठाने ही यहाँ से ऊपर बुलाया था क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, जैसे बस में आए तो दिक्कत हो ही जाती है बस से उतरते हुए, तो ऐसे कहाँ छोड़ सकते हैं। फिर ये भी छोटी सी है अभी, चलो आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं ईजा जी हमारे इधर। तो अब तो कुछ दिनों के लिए हमारा मनोरंजन ही करेगी, हंसा हंसा के इसकी नौटंकियां देख देख के इधर। चलो जी बोलो, आप फिर बोलो हाय हाय, जल्दी बोलो। तो इसको यहाँ से पता क्या दिख रहा है, ऊपर के लिए जा रही है इस टेडी, ये इसके टेडी बियर थे वैसे, है भी इसी का ही है वैसे। तो देखो आप इसीलिए ये यहाँ इसको खेलने के लिए रखे गए हुए है। निकालो जरा इधर निकालो, यहाँ पे किसका है ये, किसके ईजा, ये किसका टैडी है, ये ईजा का है वाला। वाओ दो तेरे इधर इसको बोला यार, प्लेट ला जलेबी इधर नीचे देख यार, ऊपर से चल रही है। ये है मेरी और ईजा की शरारत, जा लत टका रही है मेरे को भाई, पूछो ये उसके लिए लाए कड़ी के लिए। और अभी बना रही हूँ जी मैं कड़ी बना रही हूँ मैं पकौड़े के, हम पकौड़े भी साथ लेके आए हुए तो इससे झगमग कड़ी बनाएंगे। तो लस्सी लेके आई हुई है जी दीदी अपने घर से, तो अभी मुझे बनानी होगी यहाँ पर कड़ी। भाई शोर तो आप देख ही सकते हो, अब छोटा बच्चा जहाँ पे हो तो शोर वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही रूम पहुंच चुके खाने बैठ चुके हैं दोबारा से, खाने ही बैठ चुकी है तो मैं भी खा लेती हूं। तो ये लेके आई हुई है जलेबी, मैं बंद कर रखो
आप भी रख सकते हो। वो भी लग तो इधर देखे ईजा, इसमें ऐसा देख रही कि है क्या है इसमें, क्या है ईजा इधर देखे खाओ मिर्च भी हो सकती है इसमें, कैसे खाते इसको खाना पड़ेगा। अच्छा मौत तो अभी तो इधर लेके आए हुए है जी चाइनीज परांठा और जलेबी। ईजा की ईजा को सबसे अच्छी जलेबी लगती है तो इसके लिए हम ये भी लेके आए हुए हैं। यम्मी उठाओ जरा, ये मम्मा से खाएगी। वाओ अच्छे बहुत अच्छे हैं, मिर्च तो नहीं लग रही, नहीं लग रही। तो इसको लग चुकी है जी मिर्च। तो चलो दोस्तों अब मैं भी तैयारी कर देती हूँ जी डिनर बनाने की। तो इधर प्याज कट कर दिया है, ये प्याज के जी दीदी ने कट, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगी हुई है अंगूठे में तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कहाँ जैसे लगी हुई है, इस वाले अंगूठे में यहाँ पे लगी हुई है, तो ज्यादा मैं नहीं काट भी नहीं सकती हूँ और अच्छी बात नहीं बना सकती, आटा नहीं गूंथ सकती और मैं बर्तन भी नहीं धो सकती हूँ ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द है वैसे इसमें पेन। तो चलते हैं जी, खाना तो बना ही सकती हूँ, बनाने में तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी तो ये ऐसा बोल रही है कि मैं तो काम करना शुरू कर दिया है, तो इधर देखे इसने अपना काम छेड़ दिया है और इसने चप्पल इतनी बड़ी बड़ी पहनी हुई है ना, मेरी चप्पल पहनी हुई है। तो इधर मैं भी कर देती हूँ थोड़ा काम, इसमें बहुत ज्यादा दर्द है आप देख सकते हो कितना ज्यादा है। शुक्र से इसके ना ऊपर के लिए नहीं पहुंच जाता, अगर ये यहाँ के लिए पहुंच जाती है तो पता नहीं क्या कर देती। इधर देखो गैस पे ये भी लगाया हुआ है, चलो जी हमारा इधर डिनर भी निकल चुका है, हमारी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो इधर खाने वाले भी बैठ चुके हैं, ये बिना चम्मच से तो खाना ही नहीं खाते हैं जो हमारे आज गेस्ट हैं। क्यों दीदी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है बना हुआ कढ़ी। हाँ अच्छा, ये ऐसा बोल रही है कि आप भी खा लो, ये मुझे मासी नहीं बोलती है, मुझे मिमी बोलती है। चलो मिम्मी का नाम बताओ जल्दी बताओ। टीबू बोलो। टीबू। मम्मा का नाम हीना। पापा का पापा, पापा का नाम चूचू। मामू का नाम पंकू। तो चलो जी इधर अब सोने की तैयारी हो रही है और इधर बिस्तर भी बिछ चुका है, और इधर देखो मेरा बिस्तर तो कहाँ पे लगा हुआ है, मैं तो आज कल इन्होंने नीचे ही उतार दी हूँ आज, तो मैं अभी मेरे बिस्तर यहाँ पर है और ये इधर सोएंगे। तो गाइज ये था मेरा आज का डे, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं जी हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। बाय गाइज।